तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा ये रहेगा दोस्तों, वॉश बेसिन का फिटिंग का वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो का आप पूरा देखिए और आराम से देखिए। तो हमारा प्लम्बर साहब अभी कॉक ऊपर लगा चुके हैं, अभी उसके पीछे फ्लांज लगाएंगे, फ्लांज के बाद में उसका जो पीछे जो बोल्ट आता है वो टाइट करेंगे। इसी का वीडियो आपके सामने लेकर आ रही है पूरा फिटिंग का, कि भाई कॉक कैसे लगता है, कैसे लगाया जाता है, इसी का वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आते हैं दोस्तों, वायरिंग के बारे में हो या पेंट के बारे में हो या हार्डवेयर के बारे में हो दोस्तों। ताकि क्या रहता है दोस्तों, कभी कभी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम वीडियो के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे नल लगाया जाता है, कैसे उसको वापस खोला जाता है, क्या क्या उसमें आता है करके, तो वीडियो देख कर हम लोग कुछ कर सकते हैं। कभी कभी क्या रहता है दोस्तों कि हमारे प्लम्बर है, हम कॉल भी करते हैं बट वो नहीं आ पाते हैं, कभी आते भी नहीं है, उनके घर में भी काम हो जाता है या कहीं बाहर गए हुए हो तो वो नहीं आते। तो और हमको क्या रहता है दोस्तों, अर्जेंट रहता है कि भी हमारा काम आज ही होना है, तो फिर वीडियो के माध्यम से हम वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं। तो हमने सिंक वॉक पूरा लगा लिया है हमारे प्लम्बर साहब, तो अभी हमारे प्लम्बर साहब हंसते हुए इसको वेस्ट कपलिंग को ओपन कर रहे हैं और अभी ये लगाएंगे। तो उन्होंने ओपन कर लिया और वो लगा रहे हैं, उसका जो पीछे जो नट बोल्ट और वाइसर आता है वो अभी उसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद अभी ये लगाएंगे। तो अभी उन्होंने पूरा खोल दिया है, उन्होंने पेस्ट और टपलन टैप साथ में लिया दोस्तों, और वाइसर अभी वो खोल रहे हैं, वाइसर निकाल दिया दोस्तों। अभी वॉश बेसिन को खड़ा किया उन्होंने, लगा रहे। कभी कभी क्या रहता है दोस्तों कि वॉश बेसिन और ऐसा कुछ नल लगा तो देते हैं प्लम्बर साहब, कभी कभी गलती हो जाती है और लीकेज होने का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए दोस्तों अपने कपलिंग के जस्ट पीछे जैसे अभी वो लगा रहे टपलन टैप, टपलन टैप लगा दीजिए। टपलन टैप लगाने के बाद उसके ऊपर पेस्ट आता है, वो पेस्ट लगाना। अभी पेस्ट वगैरह लगा रहे हैं ताकि लीकेज नहीं होता दोस्तों, फिर क्या रहता है कभी कभी लीकेज हो जाता है और फिर पानी उसके नीचे से टपकता है, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ये सब लगाने के बाद क्या रहता है कि लीकेज भी नहीं होता है और कभी वो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उन्होंने पेस्ट पूरा आराम से कर रहे हैं, करके लगा रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलता हूँ आपको, हर वीडियो में चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई आपके फ्रेंड हो, कोई न्यू प्लम्बर हो तो उनको शेयर करो ताकि वो वीडियो देख सकते हैं। न्यू प्लम्बर है जैसे अभी काम स्टार्ट करने वाले, भाई मैं भी प्लम्बर का काम करूँगा करके, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आराम से। अभी हमारे जो बोल्ट है पीछे का वाइसर उन्होंने डाल दिया है, वाइसर ऊपर कभी नहीं डाले, नीचे भी नीचे ही डालना चाहिए वाइसर। फिर बोल्ट को पूरा टाइट कर लिया उन्होंने, अभी प्लेट से भी टाइट करेंगे थोड़ा, ताकि थोड़ा और टाइट हो जाए पूरा, तो पानी कभी भी लीकेज नहीं होता है। तो वॉश बेसिन फिटिंग का वीडियो आपके सामने हमने बनाया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते हैं दोस्तों। अभी इस पेस्ट को साफ करेंगे कॉर्नर में लगा कर, ताकि अंदर सूख ना जाए, सूखने के बाद क्या रहता है दोस्तों, जल्दी फिर निकलता नहीं, नहीं क्या रहता है कि गीला गीला रहता है तो निकल जाता है करके। तो वीडियो पूरा हो चुका है दोस्तों, अभी सफाई करने के बाद में बस वेस्ट कपलिंग उसका लग चुका है, और ऊपर में जो कॉक लगाया है बड़ा वाला वो भी हो गया है। हमने सिंक कॉक बड़ा लगाया दोस्तों, ताकि उसको घुमा सकते हैं, पिलर कॉक लगता है एक्चुअली इसके ऊपर में, और पिलर कॉक क्या रहता है दोस्तों, घुमा नहीं सकते, और इसको हम घुमा सकते हैं, सिंक को मोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वॉश बेसिन रेडी हो चुका है, आप सभी को मेरा नमस्कार है दोस्तों।